एवरी वन वेलकम टू स्टडी सेशन टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर सेमेस्टर वन एग्जाम ऑफ बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ एल गी एंड फंजाई सो इसमें हमारे पास फाइव क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने थे सो so, आए थे आपका टेन क्वेश्चन तो देख लीजिए आप पहला क्वेश्चन आया है ब्रीफली डिस्कस अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल गी एल गी की क्लासीफिकेशन फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आया जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है किसी तीन में डिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिंग uh, डिप्लॉयड वाला फेज दिखाना था इसमें एल्गल बायो फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजर्स थे एल्गल के जो मैथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन वुचेरिया एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ सार्गासम सो ये था सेकेंड क्वेश्चन आपके पास सो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे डिस्कस अ ब्रीफ ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एल इन इंडस्ट्री ये तो मैंने वीडियो भी बनाया था इस पर तो ये तो आपने डेफिनेटली किया होगा डिस्कस यूटिलाइजेशन uh, एल्गी का कैसा है इंडस्ट्री में सब कुछ और डिस्क्राइब टाइप्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स ये भी किया था हमने क्वेश्चन एक्सप्लेन द कल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ पॉरीफायरा एंड फिफ्थ थैलेस ऑर्गेनाइजेशन इन ग्रीन एलगी थैलेस ऑर्गेनाइजेशन भी आता था लाइफ साइकिल्स ऑफ रेड एल बस आपको इसमें साइकिल्स दिखानी थी उसकी ठीक है डिस्कस थैलेस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन विद रिलेशन टू क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाय थैलेस इसमें रिप्रोडक्शन दिखानी तो क्लासिफिकेशन तता दी थी फंजाई की कैसे कैसे होती है एसको माइक को, माइकोटा किस 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 में डिवाइड हुआ हुआ है वो वैसी माइकोटा वगैरह सारा वो सब कुछ डिस्क्राइब पैरासक्शुअल साइकिल इन फंजाई ये तो हम ये भी की हुई है ठीक है और राइट द क्रिटिकल नोट्स ऑन थ्री ऑफ द फॉलोइंग तीन में लिखने थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रेशन फनजाई क्या क्या मोड होता है न्यूट्रिशन फनजाई का ये ठीक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन फनजा अल्टरनेशन जनरेशन बी डिस्क्राइब सेक्शुअल पैटर्नस इन मशरूम क्या क्या सेक्शुअल पैटर्न होते हैं मशरूम में और फनजाई एज अ बायो कंट्रोल एजेंट बायो कंट्रोल एजेंट इसमें आपने बायो माइनिंग वाला लिख लेना था बाय सॉप्शन वाला लिख लेना था बायो डिग्रेडेशन वाला बायो ट्रांसफॉर्मेशन ये सारे पार्ट्स इसमें आ जाने थे अब एट की बात करें तो डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ मेंबर्स ऑफ एसको इन जनरल ठीक है तो आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था ये हिट्रोथलिज्म का तो हिट्रोथलिज्म में आपको सिर्फ न, कराया था ये ऑलरेडी जिसमें पैरासेक्सुअल साइकिल दिखा देनी थी किसी एक डिफरेंट क्लासेस के इसमें दिखा देना था हिट्रोथलिज्म कैसा कैसा होता है ठीक है अगर आप उसमें ड्यूट्रोमाइसिटीज में दिखाते जिसमें कि से, सेक्सुअल साइकिल एबसेंट होती है तो वो वाला भी चाहता था उसमें पैरा सेक्शुअल साइकिल भी आप इसमें ड्रा कर सकते थे ठीक है राइट अ नोट ऑन फनजाई एज अ फूड ये भी किया था हमने सेल वॉल ऑर्गेनाइजेशन फनजाई ये भी ईजी को पार्ट था इसका तो ये तो शायद आपका एग्ज़ाम अच्छा ही हुआ होगा क्योंकि ईजिली फाइव से ज़्यादा क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं ऐसे जो कि बहुत ईजी आए हुए हैं सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है और फॉर द नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट पैथोलॉजी एंड माइक्रोब्स आप कौन कौन से चाहते हैं वीडियोस बनाऊ मैं uh, किन किन टॉपिक्स में सो प्लीज़ मेंशन इट एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू